अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद नदीम। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। पाकिस्तान में खबरें लगाने के बदाश में एक और सहाफी कत्ल। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे गैर महफूज सहाफी बरादरी है। आज मंडी बहावलदीन में खबरें लगाने के बदाश में मुकामी रोजनामा का रिपोर्टर आबद हुसैन को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इस अनहोनक वाक्य के बारे में हमारे कायद प्रेसिडेंट PUFJ लाना मोहम्मद अजीम और प्रेसिडेंट DOJ मलक तौसीफ कश्मीरी साहब मंडी बहावलदीन का दौरा और मकतूल सहाफी आबद के अहल खाना से इजहार यकजहती के लिए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं एसएम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अली शिराजी से। जी अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में खबरें लगाने की पदाश में एक और सहाफी कत्ल। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे गैर महफूज सहाफी बरादरी है। आज मंडी बहावलदीन में खबरें लगाने की पदाश में मुकामी रोजनामा के रिपोर्टर आबद हुसैन को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया, जिसका मुकदमा थाना मलकवाल में दर्ज कर लिया गया, लेकिन हसब रवायत मुल्जमान की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इस अनहोनक वाकया के बारे में हमारे कायद राना मोहम्मद अजीम ने सख्त नोटिस लिया और हम गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट शेखपुरा, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रेस क्लब शेखपुरा, अपने कायद प्रेसिडेंट PFUJ राना मोहम्मद अजीम और प्रेसिडेंट GUJ मलक तसीफ कश्मीरी साहब के हमरा जल्द ही मंडी बहावलदीन का दौरा और मकतूल सहाफी आबद हुसैन के अहले खाना से मुलाकात और इजहार यकजहती करने जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात से आगाह करने का।